पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें प्रदेश सचिव ई एजाज अहमद ने कहा कि भाजपा सरकार के छल प्रपंच झूठ से लोग सपा की ओर विश्वास से देख रहे हैं, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुशासन में गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों की घोर उपेक्षा हुई है। वहीं कोरोना काल में भाजपा के जिम्मेदार घरों में दुबके रहे, किंतु समाजवादी साथियों ने लोगों का दुख साझा किया। साथियों से हमारा अनुरोध है, जो हमारे बूथ के हमारे साथी मैंने कर रहे हैं हर जगह, और हमारा मेन मकसद यही है कि हमें 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनानी है, समाजवादी की सरकार बनानी है। किसी भी तरीके से, चाहे जो हमें मेहनत करनी पड़े, उसी के सिलसिले में हम समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने पदाधिकारियों को, अपने नेतागण को, हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको ये बताना है किस तरीके से हमें ये कार्य करना है। खबर अलीगढ़ से, जहां भारत पाकिस्तान T20